सब्सक्राइब करें अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट इग्नू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। स्वागत है आपका FST 1 वीडियो सीरीज की एक नई वीडियो में। ये FST MCQ वीडियो सीरीज की पार्ट 9 वीडियो है, जिसमें हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है बदलता हुआ पर्यावरण। इस वीडियो में हम एक ही चैप्टर को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक वीडियो में दो चैप्टर को कवर करते थे, बट ये चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ एक चैप्टर को कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल आने वाली है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि MCQ में इस बार एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पूरे बुक को डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। तो आपको ये ना करना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके एक जगह लेकर के आता हूँ। तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर देखेंगे, उस चैप्टर का नाम है बदलता हुआ पर्यावरण। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि के कारण प्रदूषण, विकिरणों के कारण प्रदूषण, पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, पर्यावरण पर जनसंख्या का प्रभाव, इन सब पॉइंट्स को हम इसमें देखने वाले हैं। मेनली हम इनमें पर्यावरण प्रदूषण के बारे में देखेंगे, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हम MCQs की ओर बढ़ते हैं। आप ये वीडियोज़ को अच्छे से देखें दोस्तों और अपना रिविज़न करते रहें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए और मैक्सिमम नंबर गेन कर पाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदूषण क्या है? प्रदूषण क्या है? तो प्रदूषण पर्यावरण में किसी पदार्थ या ऊर्जा का ऐसी दर और ऐसी मात्रा में मिलना जो जीवन के लिए हानिकारक है, उसे प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में किसी भी पदार्थ का ऐसी मात्रा में मिलना जो जीवन के लिए हानिकारक हो, उसे ही प्रदूषण कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थ या प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ, जिन्हें प्रदूषक भी कहा जाता है, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो दो प्रकार के होते हैं, जिनका नाम है दीर्घस्थायी प्रदूषक और अदीर्घस्थायी प्रदूषक। ये दो तरह के प्रदूषक होते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विखंडनीय प्रदूषक क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो जैव विखंडनीय प्रदूषक जो हैं, वैसे प्रदूषक जिनका विखंडन जीव जंतु कर सकते हैं, बैक्टीरिया और जीव जंतु जिनका विखंडन कर देते हैं, जिनको खत्म कर देते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट या जैव विखंडनीय प्रदूषक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक प्रदूषक के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक 5 तरह का होते हैं, जिनमें आपको ये सारे को याद रखना है दोस्तों। ये आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, इनमें से कोई भी, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रह सकता है, या इनमें से सभी रह सकता है, तो आपको सारे के नाम याद करने। तो पहला जो प्राथमिक प्रदूषक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला होता है CO। दूसरा है हाइड्रोकार्बन, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और पाँचवा है सूक्ष्म कण। तो ये पाँचों जो है वो प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विषैली गैस ऑक्सीजन की दहन क्षमता कम कर देती है, क्योंकि वह हीमोग्लोबिन में घुल जाती है? तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे रक्त में, हमारे खून से ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में पहुंचती है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो दोस्तों, वो एक ऐसी जहरीली गैस है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, वहन क्षमता, मतलब उसके जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होने की जो क्षमता होती है, उसको कम कर देती है। कैसे कम करती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के जगह पे खुद घुल जाती है रक्त में और ऑक्सीजन को रोक देती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से बनता है। तो गैसोलीन, कोयला, चारकोल और कचरे जैसे कार्बनिक पदार्थों के पूरी तरह नहीं जल पाने के कारण, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन होता है, वो पूरी तरह जब नहीं जल पाते हैं और उनमें से जो धुआं निकलता है
वो कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं होता है जो कि काफी जहरीला होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह रोग जो एस्बेस्टस के कणों के फेफड़ों में जमा हो जाने के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये एक कैंसर है जो एस्बेस्टस के कणों जो है वो फेफड़ों में जमा हो जाते हैं जिससे कैंसर होता है। तो इस रोग का नाम है एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस इसका नाम है। अगला प्रश्न है, वह रोग जो सिलिका के फेफड़ों में निक्षेपण से होता है, सिलिका जो कि बालू या कांच बनाने में यूज होती है, वो फेफड़ों में जमा हो जाने के कारण कौन सा रोग होता है? तो उसे सिलिकोसिस रोग होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैन क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रदूषक है जिसका पूरा नाम होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा क्या है? तो जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। जब बारिश होती है और उस बारिश का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्षा जल का जो पीएच मान होता है शुद्ध वर्षा जल का वो 7 होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उदासीन शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू, वो 7 होता है। 7 में वो उदासीन हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये पीएच स्केल है क्या। तो पीएच स्केल में टोटल दोस्तों 0 से लेकर के 14 तक रैंकिंग होती है जिसमें अम्ल, क्षार और उदासीन जो कंपाउंड या एलिमेंट्स हैं तत्व और यौगिक उनका पता चलता है। तो इसका जो बीच का पार्ट होता है 7, 7, यहाँ पे इस वैल्यू के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे उदासीन होते हैं। और इससे नीचे अगर हम जाते जाएंगे तो वैसे वैसे उस पदार्थ की अम्लीयता, एसिडिटी बढ़ती जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। इसके विपरीत कि जैसे हम 7 से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वो पदार्थ क्षारीय होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा पीएच स्केल में उसकी वैल्यू होगी वो पदार्थ उतना ज़्यादा क्षारीय होता जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको पीएच स्केल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगले। अम्ल वर्षा संगमरमर की मूर्तियों और धातियों का संक्षारण कर देती है। ये आपको एक जानना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके कारण संगमरमर की मूर्तियां और धातुओं में संक्षारण या जंग लग जाती है। तो अम्ल वर्षा के कारण। आपको पता होगा कि जैसे कि ताजमहल का रंग जो है वो पीला होता जा रहा है, ये इसका कारण क्या है? इसका कारण अम्ल वर्षा ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव को जानने के लिए दोस्तों आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव वायुमंडल की कौन सी परत करती है? तो आपको पता होगा कि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव जो करती है वो वायुमंडल की ओजोन परत करती है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए अगली वीडियो लाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूमकोहे की रचना किनसे होती है? तो प्रकाश रासायनिक धूमकोहे की जो रचना होती है वो 3 तत्वों से मिलकर होती है। ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इन तीनों को आपको याद रखना है कि प्रकाश रासायनिक धूमकोहे की रचना किनसे होती है। अगला प्रश्न है, मिनीमेटा रोग किस धातु के कारण होता है? जापान में ये रोग काफी ज्यादा होता है दोस्तों। तो ये जो रोग है मिनीमेटा रोग, ये धातु जो है, धातु कौन सी धातु? मर्क्यूरी, पारा, मर्क्यूरी की अधिकता के कारण ये रोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि या शोर की तीव्रता किससे नापी जाती है? साउंड पोल्यूशन होता है या साउंड होता है उसकी जो तीव्रता है उसका यूनिट, उसका मात्रक क्या है? तो ध्वनि और शोर की तीव्रता का मात्रक जो है वो डेसीबेल होता है। अगला प्रश्न, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस की दुर्घटना जो हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 में हुई थी, जो कि एक बहुत ही भयानक दुर्घटना थी। उस पूरी घटना में जो गैस का रिसाव हुआ था
वो गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड उस गैस का नाम है जिसके कारण वह दुर्घटना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चेर्नोबिल नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? चेर्नोबिल नाभिकीय दुर्घटना एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट है दोस्तों, जिसमें कि नाभिकीय प्रयोग किया जा रहा था और वो एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानी गई थी। ये यूरोप में हुआ था। तो इस ये जो हुई थी ये दुर्घटना, ये 1986 ईस्वी 1986 जो ईस्वी है उसमें हुई थी। अगला प्रश्न है, सुपोषण के कारण जलाशयों में कौन सी घटना होती है? सुपोषण के कारण जलाशयों में कौन सी घटना होती है या सुपोषण क्या है? तो सुपोषण जो होता है दोस्तों, वो जो तालाबों में है बहुत ज़्यादा एल्गी यानी कि सैवाल हो जाते हैं, जिसके कारण तालाब जो हैं वो हरा दिखाई देने लगता है। इस वजह से ये जो घटना होती है इसे सुपोषण कहा जाता है। तो ये इसमें क्या होता है, एल्गी ब्लूम होता है, मतलब एल्गी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।